बचपन में सुबह उठते और रंग लेकर घर से भाग जाते थे। जो हर रास्ते में मिल जाता उसे रंग लगाते थे कि पता नहीं कहां कहां से बच्चे एक साथ आते थे। लगता था जैसे कोई जात नहीं है। अब होली तो है लेकिन होली में बचपन वाली बात नहीं है। हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सत्यम ड्राइविंग स्कूल में। आज के वीडियो में हम लोग मैम से 10 सवाल का जवाब जानने वाले हैं। अगर 10 में से 6 सवाल का जवाब देते हैं तो इनको राजगीर जाने का मौका मिलेगा। ठीक है मैम, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं मैम का नाम क्या है और कितने दिन से ड्राइव कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ मैम? अंजलि सिंह। कितने दिन से ड्राइव कर रहे हैं? 30 डेज। 30 डेज हो गया। चलिए, कौन कौन से गियर में गाड़ी चला चुके हैं आप? सारे गियर, 1-2-5। 1-2-5, ओके। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानते हैं मैम से 10 सवाल का जवाब। यदि 10 में से 6 सवाल का जवाब देते हैं तो इनको राजगीर जाने का मौका मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इंजन के बारे में जानेंगे मैम से। तो सबसे पहला सवाल है मैम, इसमें आपका ब्रेक वाल किधर है? सबसे पहला सवाल, ब्रेक वाल किधर है? चलिए, वेरी गुड। तो दोस्तों मैम से दूसरा सवाल है, रेडिएटर किधर है मैम? रेडिएटर रेडिएटर किधर है? रेडिएटर कैप इसको बोलते हैं। वो रेडिएटर कैप है, रेडिएटर है, रेडिएटर कैप है जी। रेडिएटर किधर है? यही होगा, ये रेडिएटर। कौन सा? ये रेडिएटर पाइप तो कनेक्टेड है। तो रेडिएटर किधर है आपका, बताइए बताइए, रेडिएटर किधर है? रेडिएटर ये रहा, ये पाइप रेडिएटर पाइप से कनेक्टेड। वो रेडिएटर पाइप है, ठीक है। ये आपका गलत जवाब है, ठीक है। ये आपका ये जो है ना, इसकी हाँ यही रेडिएटर है, ये जो पूरा कनेक्ट किए हुए नीचे, ये रेडिएटर होता है, ठीक। दोस्तों मैम से तीसरा सवाल है, आपका ब्रेक बूस्टर किधर है? ब्रेक बूस्टर किधर है? तो दोस्तों मैम से चौथा सवाल पूछते हैं। चौथा सवाल में है कि आपका डायनमो किधर है? डायनमो किधर है मैम? ये रहा डायनमो। कौन सा डायनमो है? ये दोस्तों डायनमो का काम होता है बैटरी को चार्ज करना, ठीक है। ठीक है, ये आंसर आपका सही है। इसके बाद पांचवा सवाल है आपका, कंप्रेशर मोटर किधर है? जैसे एसी को चलाता है जो आपको चील करता है, वो मोटर किधर है आपका कंप्रेशर का? ये कंप्रेशर मोटर यही हुआ। कौन सा? यही हुआ ना। इसके नीचे किधर मोटर है देखिए, उसमें सही से देखिए। बताइए कंप्रेशर मोटर किधर है मैम? जिससे ये पाइप कनेक्ट है वही। हाँ। दोस्तों ये आपका कंप्रेशन मोटर है जिससे ये पाइप आपका कनेक्टेड है। दोस्तों छठा सवाल है मैम से कि मान लीजिए कि आपको टायर खोलना है, तो टायर का जो नट होता है क्लॉकवाइज खुलता है या एंटी क्लॉकवाइज खुलता है मैम? एंटी क्लॉकवाइज। खोल के दे बताइए उसको। हाथ से नहीं खुल रहा है तो उसको पहले मड कैप के हटाइए, पैर से दबाइए कस के। हाँ दबाइए कस के, हाँ खुल गया, ठीक है। अब टाइट कीजिए उसको, ठीक है, टाइट कीजिए कस के ताकत से, और चलिए बस हो गया। तो दोस्तों अभी तक मैम 6 में 4 सवाल का जवाब दे दिए, अब 4 सवाल में केवल 2 सवाल का उनको जवाब देना है, तब राजगीर के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। तो इसके बाद का सवाल है मैम कि मान लीजिए कि सवाल समझे पहले, आपके पास चाबी नहीं है, ग्लास आपका बंद है, पूरा जो ग्लास है डोर का बंद है और गेट खुला हुआ है, तो आपको चारों गेट को कैसे बंद करेंगे? गेट को बंद करना है बताइए बताइए। ग्लास से इससे ग्लास को तो बंद करके रखे थे, ठीक है। आपको जैसे बाहर हम लोग जैसे हम लोग मान लीजिए कि यहाँ से गाड़ी को छोड़ के बाहर जाना रहता है तो लॉक करके जाते हैं ना, केवल जैसे कि दरवाजा बंद कर दिए, ग्लास लगा दिए, उसके बाद गाड़ी को लॉक करते हैं ना, तो आपके पास चाबी नहीं हो तो कैसे लॉक कीजिएगा गाड़ी को? सवाल ये है, ठीक है। नहीं नहीं पता, विदाउट चाबी क्यों नहीं पता, चाबी है तो चाबी से ही लॉक करेंगे। तो दोस्तों मैम नहीं कर पाए सेंट्रल लॉकिंग, इसको कैसे करते हैं मैम? उसको पहले दबाइए, गेट को खोलिए, दबाइए उसको, ठीक है, पूरा नहीं लगाइए इसको, जो डोर हैंडल उसको उठा के रखिए, आप इधर उधर लेके जाइए उसको, बस डोर हैंडल उठा के रखिए, ठीक है। अब उसको सटाइए पूरा, छोड़ना नहीं है डोर हैंडल को, सटाइए पूरा पूरा कस के सटाइए ना ताकत से, हाँ अब छोड़ दीजिए, अब खींचिए उसको, अब खींचिए उसको, लॉक हो गया ना। लास्ट में टेल लैंप है मैम, ओके, उसमें कौन कौन सा लैंप होता है बताइए? ये आपका हेडलाइट हुआ,
हेडलाइट भी आगे रहता है, ठीक है? सॉरी हेडलाइट नहीं, मतलब नॉर्मल जो लाइट जो चलता है लाइट के लिए, ब्रेक स्केटर होता है, ये ब्रेक का होता है, तो ये क्या हुआ, ये नॉर्मल लाइट ही होगा ना? बताइए लाइट हम ऑन करते तो ये पीछे का, इसमें तीन लाइट रहता है, इसमें तीन है मेरे, हाँ, पता है। तो उसमें क्या क्या रहता है आपका? ये आपका इंडिकेटर का हो गया, ये आपका वो ब्रेक करने पे वो ऑन होता है, ब्रेक करने पे रेड लाइट जलती है, ठीक है, आपको ध्यान में रखिए। तो ये नॉर्मल सा वो लाइट है। चलिए इसमें बताते हैं आपको, सबसे ऊपर जो है रेड लाइट है वो आपका ब्रेक लाइट हुआ, ठीक है, एक इंडिकेटर लाइट होता है, तीसरा बैक लाइट होता है, पता है आपको? अच्छा, बैक लाइट होता है, ये जो है आपका विंडशील ग्लास बोलते हैं इसको, ठीक है, उस पर फॉग जम गए, जमा हो गया, तो उसको कैसे हटाते हैं एसी से, बताइए? एसी ऑन करके, ठीक है, चलिए वेरी गुड, एसी ऑन करके उसके बाद सेट करते हैं उसको। पहले मेरे को फैन को करना होगा, ई करके, ठीक है, बंद करिए, ठीक है, आप बताइए, केवल आपको बताना है। फैन से पहले ऑन करना होगा, एयर ब्लो करवाना होगा, हाँ, ब्लोअर को ऑन करना है, ठीक है, उसके उसके बाद हम एसी ऑन करेंगे। चलिए वेरी गुड, एसी अपना ये जो एसी का है वो विंडशील्ड ग्लास के पास जो ये होता है उससे, हाँ, वो हवा देने के लिए यहाँ तक लाएंगे एयर को, यहाँ तक इस की के साथ, इस नोब के साथ, इस नोब के साथ, देन आपका धीरे धीरे वो खुद से वो हो जाएगा। दोस्तों मैम से लास्ट सवाल है, 9 में से 5 का जवाब सही दिया है ना, 5 या 6 का में भी 5 का सही जवाब दिए, लास्ट का नंबर प्लेट कितना है, बोलिए 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 फटाफट, BR04M3701। तो इसमें सेंट्रल ग्रिल किसको बोलते हैं, जो सामने दिख रहा है सेंट्रल ग्रिल किसको बोलते हैं? चलिए वेरी गुड, दोस्तों मैम 10 में से 6 सवाल का सही सही जवाब दिया, चलिए मैम को आप राजगीर जाने का मौका मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।